तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं गांव, भिंडी की चुनाई भी है और पानी भी लगाना है क्या आज, और मशीन भी आनी है आज। और सुबह सुबह देखिए कोई रश वश कुछ भी नहीं, और सर के नाते भी अपनी शॉप खोल रहे हैं। सूरज भी निकलना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह, और हवा माशाल्लाह सुबह की ठंडी ठंडी। अभी सारी शॉप बंद है, चाचा सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं, और माशाल्लाह सुबह सुबह बस बर्फ वाला काम ही हो रहा है। ये देखिए ब्लॉक लोड है, और ये देखिए स्प्रे कैसे हो रही है ट्रैक्टर की मदद से। और यहाँ से डलवाएंगे तेल। आज अल्लाह करें गंदम की अल्लाह पाक सुन ले आज इसकी जो है ना दाने निकल आए, मशीन हमें मिल जाए आज। और यहाँ पर सुबह सुबह देखें बीजे की लोडिंग भी हो रही है, और हमारी आज जो है ना ट्राली भी आ गई, प्लेटों वाली ट्यूबवेल भी चलेगा। तो फाइनली पहुंच गए गांव, और अभी भी मुझे लगता है कि हम लेट हो गए, सूरज सीधा सामने आ गया तो जल्दी इस वक्त तक ना हम आधी भिंडी नहीं तो कुछ ना कुछ जो है ना ये लेने चुन लेते। उनसे कहें बाल्टी तो पूछे, ट्यूबवेल चलेगा तो हमारी कस्सी भी उधर है, बाल्टी भी उधर है, तो वो जा रहे हैं लेने। यहाँ से भाई से कहा कि आप जो है इनको ऑन कर दें, तारें वगैरह लगा दें। फिलहाल जो है मैं इस शापर में ही भिंडी चुनती हूँ, इसमें मोबाइल वगैरह होते हैं वो निकालते हैं जब तक ये बाल्टी लेकर आते हैं। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करें, यहाँ से करते हैं। और भाई कल नहीं तो परसों जो है ना इस इन हम पड़ोसियों को हमने अपने बाल्टियों में जो है ना वो भिंडी दी थी, तो अभी आए हैं तो इनको कॉल किया गया जो है ना बाल्टी हमारे हमें दे दें, हमने आज फिर भिंडी तोड़नी है। तो सुनाओ भाई कैसे हो, ठीक हो? हाँ सलाम अलैकुम। ठीक तो भाई अभी जो ना थक हार के बैठे हैं इधर, भिंडी हमने चुन आज ये बाल्टी उनसे ली थी भाई से, तो ये वाली जो है ना यहाँ तक जो है ना हमने चुन ली है। तो मेरे का ठंडा पानी ले आए, पानी पीते और कुछ देर बैठते हैं, मौसम देखे अभी सूरज यहाँ तक आ गया, टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:09। तो अभी हमने जो ना इतनी भिंडी चुन ली है, तकरीबन 5 kg के बराबर होगी जो हमने चुन ली है। पानी ठंडा है और आज मौसम देखे कैसा प्यारा बना, आपकी ये प्लेटें चलेंगी की बात है ना, जब भी हम पानी लेके आते हैं प्लेटें, जब भी फसल को पानी लगे तो ऊपर बादल आ जाते हैं, ये भी एक रहमत है बारिश। लेकिन ये आबादी को तो नुकसान है ना कमांड को, और भी मैंने इनसे कहा भी था कि आज ना हम गिलास लेके चलेंगे, हम भूल गए, लेकिन अगली बार गिलास लेकर आएंगे। तो अभी पीते हैं पानी, और यहाँ पर हल्की हल्की भूख लग रही, तो मेरे हस्बैंड की जेब से निकले हैं ये क्या खजूरें, 2 खजूरें मैंने ली, और आपने कितनी ली? मैंने बताऊँ? हाँ आपने खाई कितनी है वो पूछी, एक खाई है, बाकी कितनी है जेब में? अभी भी हैं, अच्छा 2 अभी खाते हैं, 3-6 है ना बाकी, 3 आप और 3 मैं, बाद में खाएंगे, 5 मैं और 1 आप। अच्छा चलो कोई नहीं, क्योंकि अभी मैं 2 खा रही हूँ, आपने 1 खाई है, काम मैं ज़्यादा करता हूँ ना। चलो ठीक है, आप सारी खा लें ऐसी कोई बात है, मुझे ये 2 ही काफ़ी हैं चलें, क्योंकि हम सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, सिर्फ खाली चाय पी कर आते हैं, रस वगैरह भी कुछ नहीं, तो काम करके फिर जब जाते हैं तो बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। और ये जनाब लग अपने काम को, एक साइड खोल ली है, दूसरी रहती है थोड़ा, अब ये खोलेंगे, ऐसे खुलती हैं, मेरे ऊपर तो नहीं आएंगी, आपके ऊपर तो आएंगी। इनको तेल वगैरह भी देते हैं कि नहीं? ये देखो मेरी साइड पे तो आ रही है, ये आ गई ये आपसे कहा था ना, ये क्रॉस कर गई ऊपर से आके, कहे क्या रहते कि आपके ऊपर नहीं आएगी, ये देखें मेरे ऊपर से आके इस साइड पे चली गई। मुझे पता है ना आप कितने खैर खाओ, ये बहाना तो है ना कि भाई प्लेटें निकाल रहा था इसको चोट लग गई। ओए होए अब जाएंगे उस साइड पर।
वो वाली साइड खुलेगी। किस तरह जो है साइंस ने तरक्की कर ली। और माशाल्लाह ये देखें फाइनल जो है ना ये प्लेटें खुल चुकी हैं इस तरह, और बादल भी बने हुए। कितनी प्लेटें, 3 और 2 5, 3 और 2 5 10, अच्छा 16 प्लेटें। ये 16 प्लेटों का सोलर पंप है। अभी मैं चुनती हूँ ये जनाब, अभी प्लेटें वगैरह फिट करेंगे। और भी अभी और ये जनाब इतनी परेशान थे कि हुक कैसे लगाएं, तो मैंने आइडिया दिया कि इस साइड पे ले आए और प्लेटों के ऊपर चढ़ के ना आराम से यहाँ से चढ़ के जो ना यहाँ नहीं अभी आगे थोड़ा सा आने दे इसके नीचे आ जाए। चलें बस 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 ये आ गया। कहाँ गई तार? हाँ कहाँ गई, क्यों नहीं नज़र आ रही तार? कहाँ गई, मुझे नहीं नज़र आ रही इसमें। हाँ ये रही हुक, पहुंच जाएगा। अब जाएं, अब तो थोड़ा ओए होए होए दबाना पड़ेगा ना। यहाँ पर ये चल गया तो उमर भी आ गया है, ये रात को आ गया था। अभी इससे मैंने कहा मुझे मेरे साथ भिंडी चुनवा लो और ये जाएंगे रस्सियाँ लेने गंदम बांधनी। अभी आज जो है इसमें बहुत ज़्यादा बाल्टी ऊपर पड़ी थी, मैंने जैसे उठाई ना मेरे हाथों में करंट लग गया। वही हो, इनको भी करंट लगा जैसे इन्होंने बटन डाला। तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ डंडा वगैरह ले उससे बटन दबाएं। तो यहाँ पे ऊपर बाल्टी पड़ी थी, मैंने जैसे उठाया ना मेरे हाथ से बाल्टी, ऐसे ऐसे मेरा हाथ कांपने लग गया। अच्छा ये पहली बार है सोन, अभी एहतियात से ना इसको फेरना बटन बंद करके। अब पता नहीं कितनी देर तक चलता है, तब तक मैं और उमर जाना भिंडी चुनते हैं और मैं इस साइड से जाऊंगी, वहां से जंप नहीं कर सकती ना तो दूसरे पांव से कहना। इसको भी इतनी समझ नहीं आ रही, बता रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही। इसको भी झुक नहीं रहा ज़्यादा, ये ज़्यादा झुकने से होती है। झुक झुक के तो हमारी कमर में दर्द है, छोटी है ना अभी भिंडी, तो इसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा झुक कर, जब ये बड़ी हो जाएगी तब आराम से तोड़ाई होगी। अब जो है ना झुकना कुछ मुश्किल है, छोटी है भिंडी तो। यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी भिंडी मेरी और इसकी जाते जाते तक जो ना आधी आधी हो जाएंगी। और यहाँ पर मेरे कज़न वाले भी आ गए ना, ये सामने हमारी गंदम बांध रहे हैं। बस अभी जो है ना इनसे कहा है कि आप जो है ना हमें रस्सियाँ और ला कर दें, क्योंकि रस्सियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। तो अभी 1 kg और ये जाएंगे लेने, लेकिन टूबेल ही नहीं चल रहा है इनसे अभी तक। और माशाल्लाह ये देखें मेरी बाल्टी फुल हो गई, क्योंकि मेरी बाल्टी बिल्कुल छोटी सी, उम्र की अभी तक नहीं भरी और उम्र का ना ही खिला ख़त्म हुआ है। उम्र जल्दी आओ, ये मैं आपको देती हूँ, उधर रख के आओ। अभी आपके पापा जो है ना पानी सीधा कर रहे हैं और ये इनका पानी जो है ना कमाद में लग रहा है। पहले इसको अभी सही से चुनना नहीं आ रहा, भिंडी छोड़ रहा है उम्र, क्योंकि छोटी छोटी से झुक कर जा रहे, इसकी हाइट बड़ी है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारी लगी हैं, 3-4 हैं अभी भी है। नीचे रखो, नीचे रखो ना, हाँ नीचे रखो ना, ये वाली बाल्टी नीचे रखो, अपनी नीचे रखो, ये उसमें डालो आराम से, ऐसे करो ना, डालो आराम से। उसमें क्यों डाल रहे हो झोली में? देखते हैं ज्यादा किसकी है। हाँ ज्यादा किसकी है, ज्यादा मेरी है, मेरी है। नहीं देखे इसके काम चेक, हाँ मेरी ज्यादा है। अब ऐसे करते दिन गर्म हो रहा है, हाँ तुम्हारी ज्यादा है, बस 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 ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। चलो ठीक है डालो उसमें, अब वो बाल्टी भी तो बड़ी है ना, डालो इसमें। इसका दिमाग चेक करें, पहले ये बहस करेगा, देखेगा कि किसकी, नीचे वाली चुन लो। और भी फ्रेश फ्रेश भिंडी। और भाई मुझे कमेंट आया था कि हमारी कराची में जो है ना 600 रुपये का 2 kg है और पिंडी में जो है ना 400 रुपये किलो है, तो आप भी बताइएगा जहाँ से आप देख। एक भिंडी ये पड़ी उमर, ये सामने पड़ी है, आप भी बता। और भाई हमारे यहाँ कुल्फा देखें, इतनी फैला हुआ है, ये देखें बहुत ज़्यादा, ये देखें इतना खूबसूरत और अच्छा सा, क्या करें भाई, सब्जियाँ अब आम हैं। तो बस माशाल्लाह से ये हमारी बाल्टी भर गई है दोनों की। चलो आराम से जाना, नीचे नहीं गिरे, हाँ 4 किलो, 2-2.5-3 किलो तो होगी, आराम से जाना, शायद गिरती जाए तो हाथ में उठा लेना भिंडी। इस वाले में जाओ ना, इधर इधर जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, क्योंकि मैं आ रही हूँ तो अगर गिरी तो मैं चुनती आऊँगी।
ऐसे जाओ बोरे में डालना, आराम से बोरे में डाल देना। बच्चों के साथ जो है ना काम जल्दी होता है, लेकिन बच्चों के साथ दिमाग भी काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसको समझाते समझाते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन शुक्र है इसको समझ आ गई। भिंडी चुनना, हस्बैंड चले गए हैं स्प्रे और वो लेने, गंडे बांधने के लिए। और डालो मिट्टी, तो यहाँ से पानी खुल गया निकल रहा है। तो उमर से मैंने कहा ये बांध दो आप, जल्दी करो नहीं तो ये भिंडी नहीं चुनी जाएगी। कभी चलते हैं पानी पीते हैं, और उमर कह रहा है मुझसे भी नहीं भिंडी चुनी जा रही। तो मैंने कहा चलो तुम घास बनाओ मवेशियों के लिए, मैं पानी पी के फिर चलती हूँ। और आज भाई ना ही मेरे हस्बैंड है ना ही मेरा बेटा, उमर गया घास निकाल, तो अकेली जो है ना आज मुझे ये सारी भिंडी फाइनल करनी है। गर्मी भी पड़ रही है, मेरे हस्बैंड गए हैं घर, कोई स्प्रे लेने थी कमांड के लिए, और इनके ये जो गट्ठे बांध रहे हैं इनके लिए भी वो लेने गए थे। तो अभी कॉल आई कि मैं नाश्ता भी ना लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखने ये भी सामने जो है ना मज़दूर गट्ठे बांध रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं सामने, और माशाल्लाह ये जनाब आ गए हैं। तो जा रहे हैं उनको रस्सियाँ देने, वो गंदम बांधेंगे और फिर आएंगे पानी चेक करेंगे। और यहाँ पर ये जनाब कह रहे हैं कि छोड़ दो आज, नहीं तोड़ो थक जाओगी। ये लो इसमें डाल दो, शापर निकाल लेना। कितनी होगी आज? हाँ आज ज़्यादा है ना, तकरीबन 12-13 के लिए। चलो माशाल्लाह, इसकी एवरेज भी बढ़ती जाएगी। अच्छा चलो माशाल्लाह, पानी थोड़ा सा उधर से ना इसमें थोड़ा उधर से ले आऊँगा। वो बाल्टी भी ले लेना वो वाली। तो यहाँ से मैंने पानी भर लिया है, और ये पानी देखे लग रहा है ना आता हुआ, ये देखिए। यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पर बैठ गए हैं, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं अभी। अभी यहाँ पर रोटी भी है, लस्सी भी है, और ये क्या चावल छोले लाए हैं, और ये चावल छोले लाए हैं, साथ में रात वाला देसी मुर्गा है। रोटी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना इसकी, देसी जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भी थके हारे जन विलेज की असल लाइफ, ओके गांव की, काम भी यहां पर चल रहा है, पानी भी लग रहा है, और स्प्रे भी मैं लेके आया, स्प्रे भी कर लिया अभी, भिंडी तोड़ के उसको फिर स्प्रे करेंगे। और यहाँ पर लस्सी, ये खाना, ये खा पी गए, खाना वगैरह नाश्ता करके फिर सारा दिन काम में लग जाएंगे। और भाई हमसाये भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, उनको भी दावत दिए कि आ जाए आप भी खाना खाएं हमारे साथ। तो अभी आई है तरबूजे की बारी, तरबूजा गर्मा सरमा सरदा गर्मा भी बोलते हैं, सरदा भी बोलते हैं इसको। माशाल्लाह अभी जो ना उमर खाना खा रहा है अपना, रोटी इसने खा ली, तो चावल मैंने नहीं खाए, इसके पापा लेकर आए थे लेकिन मैंने खाए नहीं है। तो मैंने कहा उमर से आप खा लो, मैंने कहा बाकी जो बच जाएं। तो यहाँ मज़दूर भी थे, उन्होंने भी खाना माशाल्लाह, रोटियाँ काफ़ी सारी थी, सालन भरा हुआ था, जिनके नसीब में जितना था सब ने मिल बांट के खा लिया। और खा लो जल्दी और चलो घर, छिलका उतार के खा लो। खाना शाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना खा लिया, नाश्ता कर लिया, और ये भी धनिया काट रहे हैं। उमर जाएगा घर घास लेकर, तो हमने कहा भिंडी भी आप साथ ले जाएं, बस ये भिंडी आज देंगे सेल करेंगे, बाकी जो अभी हम तोड़ेंगे वो जो है ना मामू के घर भी देनी है, और अरीबा के घर भी देनी है, और कुरान पाक वाली जो बाजी है उनको भी देनी है। तो आज ना थोड़ा थोड़ा गिफ्ट भी सबको देंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप छोड़ दें, गर्मी होगी आपको कुछ होगा। मैंने कहा नहीं, आराम आराम से तोड़ती हूँ, सुकून सुकून से। जी तो अभी तक ये जो है भिंडी तोड़ रही है मेरी वाइफ, मैंने यहाँ पर पानी लगाया हुआ है, तो ये पानी चल रहा है। और टाइम जो है ना अभी देखते हैं कि टाइम, ये देखें कि तकरीबन जो है ना 12:45 हो रहे हैं। ये देखें 11:44 टाइम 12:45 का हो चुका है, और हम अभी तक जो है ना खेतों में काम कर रहे हैं। क्या करें फिर, काम करना पड़ता है। आज भिंडी को भी एक दूसरे छोटे खेत में पानी लगा दिया, इस खेत में भी पानी जा रहा है। तो वहाँ पर जो
वो चुनाई कर रही हैं भिंडी की, तो उधर पानी भी नहीं पहुंचा। तो मैं आगे जो है ना ये कमान के खेत को चेक करता हूँ कि यहाँ पानी इसमें फुल हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर ये फुल हो गया तो इसका पानी जो है फिर बंद करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो है कमान का खेत भर गया है, तो अभी जो है इसे बंद कर देते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ कि अभी बस का लें कितना होगी अभी, ये देखें। हाँ पहले भी जो तोड़ी है वो 14-15 केजी हो गई है। इतनी बड़ी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बाकी तो थोड़ी कोई बात नहीं, सुबह तोड़ लेंगे। अभी जो है ना आप बस कर लें, बंद कर दें, गर्मी बहुत हो गई है और नीचे जो है ना ये देखें पानी भी आ गया खेतों में। कुछ नहीं, ये देखो मैंने पहले भी पानी नहीं रोका। तो बस अभी बंद कर देते हैं, फिर कल सुबह तोड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी गर्मी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी सराय की मिसाल है कि चार ने कुत्ती थे अठा ने खिला भी 500-400 रुपए की आमदनी और 2000 शाम को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़े और वहाँ पर आपकी मेडिसिन और दवाई लेनी पड़े। और माशाल्लाह कमान जो है ना बिल्कुल फुल हो चुका है, यहाँ पर आज भर के पानी दे रहे हैं क्योंकि गर्मी की जो है ना शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पानी लगाएंगे कमान की फसल को, उतना ही ये खुश होगी, खुशनुमा, और इसकी अगोती में जो है ना फ़ायदा होगा। ये देखें 5 केजी की होगी, होगी फाइनल अभी 5 केजी की। ये देखें अभी ये पानी ना आता ना तो मैं निकाल लेती। पानी तो भी लगाना जरूरी था ना, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। देखें ना पानी में भी मैंने तोड़ी है, मैंने कहा चलो ये पक जाएगी तो बहुत गंदी हो जाएगी। गाँव देखे मेरे कीचड़ वाले काम में, तो फिर ऐसा होता है। और भी ये देखें ये चुनिया हिस्से बना के, ये सामने खाला रहती है उधर उनको देना है, और ये वाली जो मेरे कज़न है गंदम बांध रहे उनको देनी है, इसमें से मामू को जिनके घर बफलों की चाय भी दिया ना मामू को भी देनी है। और अब ये 3-4 किलो के बराबर बड़ी बाल्टी होगी, 2 किलो की वो छोटी होगी। घर है उधर उनको भी आज दे रहे हैं। और ये देखें जो है ना जो भी हमारे कज़न है, हाथों से ना खून निकला है मेरे, जो भी इधर आ रहे हैं खेत भी दे रहे हैं, और जो हमारे पास ही कज़न है रिश्तेदार हैं उनके घर भी पहुंचा रहे हैं, मिल बांट के गए अल्लाह दे रहा है। ये उसके ना जो भिंडी के कांटे होते हैं ना वो लगे हाथ में, इस साइड पर भी इस साइड पर भी ये सारा खून निकल रहा है। ये भिंडी के कांटे लग के ना उंगलियों से मेरे से खून, अब मैं हाथ धोने गई तो ऊपर जो कचरा था इतना दर्द हुआ, खून बह रहा था उंगलियों में से। हाँ ये कितनी बड़ी हो गई है ना, अभी दोपहर से ना इसके कांटे बढ़ जाते हैं, इस वजह से कांटे बहुत सुबह नहीं होते इतने ज़्यादा, सुबह सुबह थोड़े ना इसके ऊपर जो होती है ना वो कुत्त जिसे हम बोलते हैं, जो खारिश होती है कांटे होते हैं छोटे छोटे होते हैं ऐसे तोड़ने से गर्मी में, तो सुबह सुबह इसे तोड़े ना तो इसके ऊपर जो है ना ये नहीं होता, बिल्कुल मुलायम और ठंडी होती है तो पता नहीं चलता, जैसे दोपहर आज पता चला तो ये जो है फिर बहुत ही इसकी पटाई जाना मुश्किल हो जाती है। ओए तू फिर आ गया उमर, आप क्यों आए? मैंने कब बोला था? चलो उमर ये उठाओ, ये सामने खाला के घर देके आओ, जा बाल्टी ले आना वापस, ठीक है जल्दी आना, बैठ नहीं जाना। उमर ये वाली भिंडी जो ना जाके इधर जो है ना आपके मामू वगैरह गंदम काट रहे हैं उनको दे के आओ, जाओ उधर से आया है, अभी ये रह गए मामू के घर की, उधर भी देनी, अभी ये भी जाएगा उनको देने। मेरे कज़न जो हमारी गंदम काट रहे हैं वो 1 किलो से ज़्यादा है, और हम लोग अभी जो घर जा रहे हैं, बाल्टी और दातरी पड़ी है वो इधर दे देना, और तुम इधर नहाते भी रहना बैठे रहना, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं घर। टाइम देखें 1 बज रहा है, आज इस वजह से ना मैं भी कह रही हूँ मेरी तबीयत क्यों ख़राब, और ये अभी जो है ना कमान पर मिट्टी डाल रहे हैं, आज हमारे इस वाली मक्की को भी पानी लगेगा, ये तो सूख रही है ना, लगा दिया ना अभी। उमर बैठा है पानी के साथ, हम लोग घर जाते हैं कुछ देर रेस्ट करते हैं। और ये जो ना आप कह रहे हैं कि मामू के घर भिंडी दे के चलते हैं, क्योंकि मामू ने कहा है कि मेरी बाइक जो है ना गई है, बच्चे ले गए हैं खानपुर, तो आप जो है भिंडी घर पहुँचा दें। मामू कैसे सो रहे हैं आराम से, और मज़े की बात यह कि इस वाले पूरी बस्ती में ना लाइट भी नहीं है, दरख्तों की छांव तले सोते हैं, लाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ये भी एक बात है। और भाई गेट भरी भिंडी दे के जा रहे हैं घर वापस, जितना कह के चाय पी के चले, मैंने कहा नहीं हमने जाकर घर सोना भी है, थक गए काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर मामू कैसे मज़े से सो रहे हैं। और
और यहाँ पर देखिए मशीनें लगी हुई हैं, बस दुआ करें कि हमें भी जल्दी मिल जाए, कोई मशीन ही नहीं फारिग, बस अल्लाह करे खैर खैरियत से संभाल लें गंदम। बस घर आते ही ना पंखा चल गया तो बस अभी सोते हैं सुकून से ना, और घर आते ही जो है ना ये बना रहे हैं खरबूजे का जूस क्योंकि थके हुए हैं, मुझे तो होश नहीं, मैंने कहा मैं तो रही हूँ सो, और माशाल्लाह देखें जूस बनकर भी आ गया बहुत ही मज़े का और ठंडा ठार जूस है। ये देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़ डाली है इन्होंने, चलो। और आज रो रो के इसने वो हाल किया ना, मुझे साइकिल लिखा कर दो, और आप तो दोनों सेम सेम ब्लैक ब्लैक हो गए और मैं भी ब्लैक बुरखे में। और शाम को टाइम देखें, शाम के टाइम रश कितना है माशाल्लाह। आज तो शाम को तो सेल लगी हुई है हर चीज़ की, और ये वाली बस जो ना कराची का ये है खरबूजा, पेमेंट आई है तो आज पेमेंट जैसे निकलवाएंगे ना सबसे पहले दुआ और ईमान की साइकिल लेंगे। इरादा तो है दोनों लेने का कि दोनों को ही ले दूं, क्योंकि बाद में ये झगड़ा करती है, लड़ती है एक दूसरे के साथ, नहीं तो देखते हैं अगर सही रेट हुआ तो, कुछ ज़्यादा महंगी हुई तो फिर एक ले लेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। पेमेंट की शुरुआत जो ना बच्चों की खुशी से हो रही है इस बार, इनकी किस्मत एटीएम भी बंद है और ये एटीएम है और इस सर पे बैठ, एटीएम का कोई मसला चल रहा है तो वो ख़राब है, कल बनेगा, तो अभी चलते हैं वापस। फिर सामने है साइकिल वाली शॉप, तो चलो पता करते हैं कम रेट में तो ले लेते हैं यहाँ से एक। यहाँ पर दुआ भी नहीं लेंगे, पैसे नहीं हैं आज, आज पैसे नहीं हैं दुआ, पैसे नहीं हैं, ये प्लास्टिक का भी, और इसका भी बता रहे हैं 4800 यानी 4800। कलेजी रंग वाली जरी खड़ी है मोटरसाइकिल को छक है वो परली रे परली आखरी आखरी इनके पास सामान तो माशाल्लाह हर चीज है, वाकर वगैरह सब कुछ ये बनाते भी हैं शायद साइकिल वगैरह, देखें वो आ गई है, लेकिन ये ख़राब है, ये जल्दी टूट जाएगी, ये टूट जाएगी। और ये है 5500 की दो वाली, कुछ पैसे थे हमारे पास, अब ईमान रोएगी, वो तो जा रहा है कहीं, और मैंने कहा ये बाहर धूप पे रखते हैं ना सारा दिन तो ये ख़राब ना हो, तो अंदर से ही कोई लेते हैं। इसकी तो टोकरी टूटी हुई है भाई, ये देखो और उतार रहे हैं, इसकी भी टोकरी टूटी हुई थी इसकी, मैंने कहा और देखते हैं, बाकी जो ना सारी की सारी ख़राब ख़राब है, तो मैंने कहा बस यही ठीक है। लेकिन टींडा भी आ गया, ये तो मिसाला ले लेना घर के लिए, मिर्च देसी नहीं आ रही, तो वापस चलते हैं। मिर्ची जो ना दूसरी थी ये रही, ये है जी, ये इसके पास है 100 का 2 किलो तो बता रहे थे, यहाँ से टमाटर भी ले लेते हैं, पैसे भी दे दिए इसको, बस सब्जी भी हो गई, मुझे मिसाला लेना था, आज भिंडी बना रहे हैं, और साइकिल भी हो गई, बस अभी ये जा रहे हैं अंदर साइकिल लेकर, मैं आ रही हूँ, चलो आप। और भी आज फिर से बादल बन गए और जो ना अंधेरी वगैरह भी आ गई, और सब जो है ना हमने चारपाइयाँ रख दी इधर बरामदे में कि बारिश ना जाए, और लाइट भी चली गई है, इसको तो कुछ ज़्यादा ही मच्छर खाते हैं, चादर ऊपर डालती तो उतार देती है। अभी जो है सोलर वाला पंखा चलाती है, ये सो रही है, उठ गई थी, मच्छर हैं हाँ,
मच्छर का तमाम और रुखसार। चलो अब नहीं है मच्छर। और भी आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी फातिमा आने वाली थी लेकिन अभी कुछ देर बाद आएगी, क्योंकि उसकी सासू माँ आई है पंजाब, और जैसे ही वो जाएंगी तो वो आ जाएंगी हमारे पास, क्योंकि मेरी ना टांग का जो मसला है ना वो हल नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने यही कहा है कि ना इसका ना पता नहीं क्या बताया वो करके ना इसके जो खून जम गया ना अंदर, ख़राब खून जो रोड़े रोड़े नुमा बन गया ना वो निकलेगा, तो देखते हैं। और इसलिए मैंने फातिमा भी कह रही थी कि मैं आ रही हूँ आपके पास, चलो कुछ दिन आपके साथ रहूँगी, और बच्चों के साथ भी आई नहीं है, तो आप भी दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से आंटी कुलसुम वापस जाए। और कमेंट में ना मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप उसे आंटी क्यों बुलाते हैं। भाई वो हमारी आंटी, इसलिए हम उन्हें बुलाते हैं क्योंकि वो हमारी माँ की एज जैसी हैं, और हम उसे फातिमा के रिश्ते से पहले ही हम उसे आंटी बुलाते थे। और ये नहीं है कि मैं उनको नाम से बुलाऊं या सिस्टर बुलाऊं या कुछ इस तरह, तो मेरी एज से वो बड़ी है, और जो है ना हमारे यहाँ ये होता है अपने से बड़ों को जो है ना नाम से नहीं बुलाते, और अदब से आंटी या खाला चाची मासी इस तरह बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और जैसे वो वापस जाएंगी यहाँ से आंटी कुलसुम, तो बाद में फातिमा आएंगी वो यहाँ पर रहेंगी, और मेरा जो है मसला इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा आप सबकी दुआ से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, अगर मैं बैठ जाऊँ तो फिर जो ना बहुत मुश्किल है, अक्सर मुझे रात को नींद नहीं आती इस दर्द की वजह से, तो बस क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे, मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते ना इनकी खातिर, तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा आप सबका प्यार सपोर्ट और दुआएं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग और नए रूटीन के साथ। और भाई अंधेरी रही हैं, बारिशें हो रही हैं, इसलिए बरामदे में आए, अल्लाह हाफिज़। और हाँ भाई, उमर वापस आ गया, और उमर जो है ना लाहौर वाली साइड पर गया था, और अभी जो है ना वापस, तो उसके पापा कह रहे हैं आपको मैं नहीं जाने दे रहा, आप घर रहें, तो इंशाल्लाह फातिमा जब आएगी तो मिल लेंगे आपको। ये ना सोचे कि भाई उमर जो है ना कराची गया था या फिर अपनी बहन से नहीं मिला इस तरह, तो कोई नहीं, वो लाहौर वाली साइड पर गया था फातिमा से मिले बगैर वापस आ गया, क्योंकि फातिमा रहती है कराची और ये लोग गए थे लाहौर। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग, मुझे याद आ गया, मैंने कहा आप कमेंट करेंगे कि उमर घर आया तो फिर आपने बताया नहीं फातिमा से मिलने नहीं गया, या फिर फातिमा ने ब्लॉग में नहीं लिया या बताया नहीं, तो उमर उस साइड पे नहीं गया, उमर लाहौर वाली साइड पर गया था दाता दरबार की ज़्यारत करके वापस आ गया। तो अब इसके पापा कह रहे हैं अभी नहीं जाओ, छुट्टियाँ होंगी जब तो फौजिया हो सकता है जाए, माहम जाए, इनके पापा जाएँ, तो अभी जो है फातिमा आएगी ना तो उसके बाद इन बच्चों को छुट्टियाँ होंगी, तो हो सकता है फातिमा को छोड़ने के लिए जो भी जाएगा फिर सैर भी करके आएँगे कराची।